जी के टुडे करंट अफेयर्स टारगेटेड फॉर यूपीपीसीएस 2019 में हम डिस्कस करेंगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हम एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही में हम आज इसमें एक छोटा सा इनोवेशन और करेंगे। एंड ऑफ द 10 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट न्यूज़ के बारे में। उन्हें यहाँ पर ऐड करने का मेन मोटिव ये है कि एग्ज़ाम तक हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रोडक्टिव भी हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कन्या सुमंगल योजना का संबंध किस राज्य से है? हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर पंजाब। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। इस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2019 से लागू किया। अपने बजट में इन्होंने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के बारे में हम बात करें तो ये 6 श्रेणियों में लागू होगी तथा जिसकी घोषणा बजट में कर ही दी गई थी, तथा इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, यानी जन्म से लेकर स्नातक तक उनकी शिक्षा के लिए या उन पे जो उनके हेल्थ के लिए जो भी राशि खर्च होगी उन्हें 6 श्रेणियों में दिया जाएगा। बजट 2019-20 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए 1200 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की है। और इस योजना में हम बात करें तो जो इसमें जो लड़कियां होंगी जो मेन टारगेटेड हैं, 1 अप्रैल 2019 के बाद पैदा होने वाली बालिकाएं ही इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकेंगी। हमारा अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं सतपाल मलिक, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, विकल्प सी आर बी राघवन या फिर विकल्प डी राधा कृष्ण माथुर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, इसका सही विकल्प है विकल्प बी गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के ये जब यूटी बनने के बाद ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्हें बनाया गया है। और बात करें तो 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं और वो गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस स्कूल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो विकल्प हैं विकल्प ए मेयो स्कूल अजमेर, विकल्प बी मिरिंडा हाउस दिल्ली, विकल्प सी जीसस एंड मैरी नैनीताल या फिर विकल्प डी सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ। इसकी व्याख्या पर हम बात करें तो ये विश्व का ऐसा पहला स्कूल है जो संख्या के हिसाब से जिसमें सबसे ज़्यादा छात्र हैं, यानी लगभग 56,000 छात्र इसमें पढ़ते हैं। इसी चीज़ का इसीलिए इसे वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज बुक में से शामिल किया गया है। 2014 में सिटी मोंटेसरी स्कूल को सोसाइटी ऑफ संयुक्त राष्ट्र जन सूचना विभाग द्वारा एनजीओ के रूप में मान्यता भी दी गई थी और दलाई लामा द्वारा होप ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से भी इस स्कूल को सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो कि 4,400.751 अरब डॉलर के सर्वोच्चम स्तर पर पहुंच गया है, उसके साथ ही भारत का विश्व स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में अब कौन सा स्थान हो गया है? तो विकल्प है 8वां, विकल्प बी 9वां, विकल्प सी 10वां या फिर विकल्प डी 7वां। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भारत इस अब अपने मैक्सिमम विदेशी मुद्रा भंडार के साथ 8वें स्थान पर आ गया। और पहले स्थान पर हम बात करें तो चाइना सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर बरकरार है। हमारा अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18वें राष्ट्रीय प्रमुख के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विकल्प हैं विकल्प ए अजरबैजान बाकू, बी पाकिस्तान का इस्लामाबाद या मंगोलिया उलन बटोर या विकल्प डी चीन का संघाई। तो सही आंसर है विकल्प ए अजरबैजान के बाकू में इस नाम के राष्ट्रीय प्रमुख के सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकट नायडू द्वारा किया गया। यदि हम नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारी चर्चा से थोड़ा सा अलग है, इसकी स्थापना 1961 में बिलग्रेड में की गई थी। उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ब्रोज टीटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जो उसका मुख्य उद्देश्य था जब शीत युद्ध के दौरान बाद विश्व में शांति स्थापित करने से था, ताकि
इसका स्वतंत्र राष्ट्र जो भी बने हैं शीत युद्ध के बाद, तो वो किसी गुट में ना शामिल हों बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करें। वर्तमान में इसमें 120 सदस्य हैं तथा 17 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विकल्प हैं, विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश, विकल्प बी लद्दाख, विकल्प सी उत्तराखंड या फिर विकल्प डी जम्मू। इसका सही उत्तर है विकल्प बी लद्दाख। लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचे पुल यानी हाई एल्टीट्यूड पुल का हम बात करें तो लद्दाख में कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु, इसे नाम दिया गया, वहाँ पे इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। और इस पुल की जो हाइट है मतलब ऊंचाई, तो 14,650 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है। यह श्योक दोलन बेग ओल्डी सड़क जो वहाँ लद्दाख में है उस पर बनाया गया है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर BRO द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, भारत के पहले ग्लोबल बायो इंडियन स्मिट 2019 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो विकल्प हैं, विकल्प है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विकल्प दो गृह मंत्रालय, विकल्प सी मौसम विज्ञान मंत्रालय या फिर विकल्प डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत के ग्लोबल बायो इंडियन स्मिट 2019 का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस स्मिट का, देश में निवेश को आकर्षित करना है, साथ ही 30 देशों के स्टेक होल्डर को एक मंच पर एकत्रित करना है। हमारा अगला प्रश्न, अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल यानी भारत की लक्ष्मी, जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विकल्प हैं, विकल्प ए प्रियंका चोपड़ा, विकल्प बी दीपिका पादुकोण या फिर विकल्प सी दीपिका पादुकोण और PV सिंधु या फिर विकल्प डी माधुरी दीक्षित। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी दीपिका पादुकोण और PV सिंधु। 22 अक्टूबर 2019 में 19 को दीपिका पादुकोण और बैडमिंटन जो प्लेयर है हमारे PV सिंधु को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहल यानी भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य था कि दीपावली से पहले यानी दीपावली का जो भी फेस्टिवल गया उससे पहले देश की महिलाओं की ओर से किए गए जो सराहनीय कार्य हैं, जो भी उन्होंने डेयरिंग कार्य ऐसा कुछ किया है, तो उसे सबके सामने लाना है या उसे एक तरह से कहते लाइमलाइट में लाना है। हमारा अगला प्रश्न, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार हेतु कितने भारतीय विरासत स्थलों को चयनित किया गया है, चयनित किए गए हैं? तो हमारे हैं 3, 9, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी 4 स्थल हैं जो एशिया के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार हेतु चयनित किए गए हैं। हम उनकी बात कर लें, वो कौन कौन से हैं एक बार, तो वो हैं इन्हें, हाँ इन पुरस्कार को 3 श्रेणियों में दिया गया है, डिक्शन यानी डिस्टिफिकेशन श्रेणी है, मेरिट श्रेणी और माननीय उल्लेख। तो इनमें इन 4 पुरस्कार दिए गए, डिस्टिफिकेशन में विक्रम साराभाई लाइब्रेरी यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान हैदराबाद अहमदाबाद को दिया गया है। दूसरा मेरिट का जो पुरस्कार दिया है हमारी लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च मुंबई में स्थित है उसे दिया गया है। तीसरा और इसी श्रेणी में दिया गया है कैंथेस एलियस सिनांग है मुंबई में इसी को। और जो तीसरा हमारा चौथा पुरस्कार तीसरी श्रेणी में दिया गया फ्लोरा फाउंटेन है मुंबई में। तो यह क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2 पुरस्कार किस श्रेणी में दिए गए, तो मेरिट का पुरस्कार जो है उसमें 2 पुरस्कार दिए गए हमारी लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च को, साथ ही केनेस्ट एल्यूसा सिनांगा मुंबई में है उसे दिया गया है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में 11वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विकल्प हैं, विकल्प ए कोलकाता, विकल्प बी नई दिल्ली, विकल्प सी भुवनेश्वर या फिर विकल्प डी बेंगलोर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में 11वें परमाणु सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसका थीम यानी जो विषय था परमाणु ऊर्जा का अर्थशास्त्र सुरक्षित और किफ़ायती प्रौद्योगिकी दिशा में इनोवेशन, इस सम्मेलन की थीम थी। और जो इसका आयोजन किया गया था सम्मेलन का, इंडिया एनर्जी फोरम के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब हम बात करते हैं अपने इन 10 MCQ के अलावा कुछ करंट अफेयर्स की,
जो एमसीक्यू बेस्ड ना होके डायरेक्ट वन लाइनर होंगे या न्यूज़ बेस्ड होंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितने करंट कितने क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं, जो काफ़ी सिलेक्शन के बाद हमने चूज़ किए हैं कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके साबित हो सकते हैं। जैसे पहली न्यूज़ है कि बेसल 6 मानक लागू करने की बात की गई थी, तो वो किस तारीख से लागू किए जाएंगे, तो 1 अप्रैल 2020 से इन्हें लागू किया जाएगा। तो यदि हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य पीठ का निर्णय आया था इन्हें लागू करने के लिए, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस पीठ के अध्यक्ष कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 3 सदस्य पीठ थी उसके अध्यक्ष थे मदन बी लोकुल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि UPPCS डेट पे बहुत फोकस करता है। और हम बात करें कि ये घोषणा कब की गई थी, तो 2016 में ही सरकार ने घोषणा कर दी थी, यानी सुप्रीम की 1 अप्रैल 2020 से बेसल 4 वाहन लागू होंगे। तो यहाँ एक दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारी 2016 इम्पोर्टेंट है। बेसल उत्सर्जक मानक क्या है, तो नॉर्मली मोटर वाहनों से होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इन्हें बनाया जाता है, यूरोप में ही इन्हें यूरो मानक कहते हैं। तो हम बात करें एक छोटी सी न्यूज़ में हमारे कितने सारे फैक्ट एंड फिगर कवर हुए। पहला कि वो डेट कौन सी है, कब से लागू होंगे, 1 अप्रैल 2020 से होंगे, और उसी दिन बेसल 4 बैन हो जाएंगे, डायरेक्ट बेसल 6 मानक आएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो मदन बी लोकल, दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट फिगर। तीसरा, किस सन में सरकार ने घोषणा कर दी थी, किस वर्ष की, कब से लागू होंगे, तो 2016 में सरकार ने घोषणा कर दी थी कि ये बेसल 6 मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे। हमारी अगली न्यूज़ है जिससे रिलेटेड प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का की स्थापना कहाँ की गई, तो गुजरात में की गई। तो अब यहाँ पे कितने फैक्ट एंड फिगर हमारे बन सकते हैं। पहला कि गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गाँव में की गई। आपसे पूछ सकते हैं कि गुजरात के किस जिले में की गई, या थोड़ा और डेप्थ में पूछ सकते हैं कि किस गाँव में की गई, तो वो है केवड़िया गाँव। किस नदी पे की गई, तो नर्मदा नदी के साधु बेट टापू, ये टापू इम्पोर्टेंट है कि किस टापू पे की गई, और 31 अक्टूबर को की गई। 31 अक्टूबर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, और ये स्टैचू भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही थी। नॉर्मली राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं। अगली हमारी इससे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या हो सकती है कि इस जो स्टैचू है इसकी हाइट कितनी है। तो यदि हम बात करें बेस के साथ, तो बेस के साथ इसकी हाइट है 740 मीटर, और यानी आधार हटा दें खाली स्टैचू तो 182 मीटर इसकी हाइट है। तो यहाँ पे कवर हमारे इंफॉर्मेशन होती। और आगे हम यदि बात करें इसमें कि इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, तो इस मूर्ति के मूर्तिकार हैं राम वी सुतान, इस मूर्ति के मूर्तिकार है जिन्होंने इस मूर्ति को डिज़ाइन किया, और उन्हीं की टीम के अंडर में पूरी मूर्ति बनाई गई। तो इस सेकंड न्यूज़ में हमारे कितने क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं कि पहली कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ हुई, गुजरात में, गुजरात के किस जिले में हुई, किस गांव में हुई, किस नदी पे हुई और किस टापू पे हुई, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। किस तारीख को यानी 31 अक्टूबर को, क्यों, सरदार पटेल का बर्थडे था उस दिन, इसकी हाइट पूछ ली जा सकती है आपसे 740 मीटर आधार के साथ, और बिना आधार के खाली मूर्ति की हाइट है 182 मीटर। मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, राम वी सुतान। तो अब हमारी इस एक न्यूज़ से इतनी सारी न्यूज़ कवर होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इसी तरह से हम अपनी अगली सीरीज जो हम कल फिर से लाएंगे, इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा MCQ प्लस करंट न्यूज़ को ऐड करते हुए करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा पूरा पूरा टारगेट रहेगा कि UPPCS 15 दिसंबर को हम हर हाल में इस जो हमारी वीडियो इनके माध्यम से कवर करें, साथ ही जो पैरेलल एग्जाम है ये करंट अफेयर्स उनके लिए भी उतना ही प्रोडक्टिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अस।